हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिसिन नॉलेज हिंदी। अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं रैन रैप्ड सिरप के बारे में। इसकी प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 170 रुपया और ये JB केमिकल फार्मा कंपनी द्वारा बनाया जाता है। और ये सिरप के कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसका कॉम्बिनेशन है कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम एल्गिनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट है। चलिए दोस्तों जानते हैं ये सिरप किस काम में आता है। ये सिरप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंटों की श्रेणी से संबंधित रखता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स रोग, सीने में जलन और एसिडिटी के इलाज के लिए किया जाता है। यह अपच और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संकट के लक्षणों से राहत दिलाने में मदद करता है। अपच भोजन को पचाने में असमर्थता और जो पेट में दर्द और परेशानी से जुड़ी होती है, ये सिरप में कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम एल्गिनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट एक एंटासिड है जो पेट में एसिड की मात्रा को कम करके काम करता है। सोडियम एल्गिनेट पेट के एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके एक चिपचिपा जेल बनाता है। यह जेल पेट की सामग्री की सतह पर तैरता है और भाटा को कम करने के लिए नाकाबंदी के रूप में कार्य करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी एक एंटासिड है और इससे क्षारीय pH है, जो पेट में अम्लीय pH को भी असर करने में मदद करता है। और सीने में जलन में आपकी छाती में जलन संवेदना होती है, यह उस समय होता है जब आपके पेट का एसिड विपरीत दिशा में गले और मुंह की तरफ जाने लगता है। इसे एसिड रिफ्लक्स और आपका डॉक्टर आपके चिकित्सा स्थिति के अनुरूप उचित खुराक की सलाह देगा। और यह सिरप का दुष्प्रभावों में पेट फूलना, दस्त, मतली और उल्टी शामिल है। ये दुष्प्रभाव इस दवा का उपयोग करने वाले प्रत्येक रोगी में नहीं हो सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से भिन्न हो सकते हैं। यदि दुष्प्रभाव लंबे समय तक बने रहते हैं या बिगड़ जाते हैं तो कृपया डॉक्टर की सलाह लें। और यह सिरप का उपयोग करने से पहले यदि आपको लीवर, किडनी, हृदय रोग या कोई अन्य चिकित्सा इतिहास है तो अपने डॉक्टर को बताएं। यदि आपको उच्च रक्तचाप, हृदय विफलता, एडिमा, हाइपरकैल्शेमिया यानी कि रक्त में कैल्शियम, अतिरिक्त कैल्शियम स्तर होना, नेफ्रोकैल्सिनोसिस यानी कि गुर्दे में अतिरिक्त कैल्शियम जमा होना और गुर्दे में पथरी है तो कृपया अपने डॉक्टर को पहले ही सूचित करें। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उपयोग उचित परामर्श और सावधानी से करना चाहिए। उपयोग करते समय शराब के सेवन से बचें, क्योंकि यह पेट में एसिड उत्पादन बढ़ा सकता है। और चलिए जानते हैं इसको उपयोग कैसे करें। इसे 10 ml सुबह शाम लें। और दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।